वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा नाश्ता, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये इसके लिए मैंने ये देखिए एक सिंपल सी चपाती बना ली है। अगर आपको वो नहीं बनानी आती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर मैंने बहुत ईजी तरह से चपाती बनानी सिखाई है। तो ये देखिए, ये मैंने चीज़ लिया है। आप अपनी क्वान्टिटी के अनुसार जितना आप सामान बना रहे हो उसके अनुसार आप ये पनीर भी ले सकते हैं। पनीर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो भी कुछ बात नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने आलू लिए हैं, पोटैटोस। इनको हमने क्या करना है, अच्छी तरह से वॉश करके बॉईल कर लेना है। ये बात आप याद रखनी है, इसको हम बॉईल करके यूज़ करेंगे, इसको हम कच्चा यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको मैं उबलने के लिए अब रख देती हूँ, तो ये अब तब यूज़ करेंगे। अब ये देखिए, मैंने चपाती है, इसको अब हम सेकना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको बनाते या मतलब पूरा करते नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि चपाती बनानी मैंने पहले सिखाई हुई है। आपने पहले सिंपल चपाती ही बनानी है, जैसे मैंने पहले सिखाई हुई है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमारी जो चपाती है ये बनकर अब तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से आपने जितने बनाने हैं, आप 1 2 3 4 जितने बनाना चाहते हैं रेसिपी, उतनी हम ये रोटी देखिए कितनी सॉफ्ट है, इस तरह से आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं हाफ चपाती से बनाना सिखा रही हूँ, पूरी चपाती भी नहीं ले रही। इसके लिए आप बची हुई चपाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई बार दोपहर को हमारी चपाती बच जाती है और शाम को हमने कोई नाश्ता का सोच रहे होते हैं, तो उसके लिए हम इसको आधा यूज़ कर सकते हैं, आधी चपाती का बनाएंगे। तो ये देखिए, एक मैंने ऑनियन लिया है, आप जितने बनाना चाहते हैं मैंने पहले ही बता दिया है, उसकी क्वांटिटी के अनुसार आप ले। मैं यहाँ पर 3 रोटियों का बनाऊँगी, तो उसकी क्वांटिटी के अनुसार मैंने 1 प्याज 2 उबले आलू इस तरह से लिए हैं, ठीक है ना। तो मैं इसमें 3 रोटियों का बना रही हूँ, लेकिन नॉर्मली अगर आपके पास आधी रोटी भी बची हुई है ना, तो उससे भी ये बहुत टेस्टी नाश्ता हमारा बन जाता है। तो ये देखिए, मैंने बॉयल आलू अपने पील ऑफ कर लिए थे और अनियन मैंने इस तरह से चॉप कर लिए हैं। इसमें हम अब इसमें हम डालने वाले हैं नमक। नमक हमने, ये बात आपने याद रखनी है, स्वाद अनुसार डालना है। मैंने एक अपना अनियन लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। आप ज़्यादा ले रहे हो तो ज़्यादा डाल लीजिए। तो अब इसमें हम नेक्स्ट डाल रहे हैं इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने 1/2 स्पून डाला है इसमें। ये मैं कम सामान में है तो कम चीज़ें डाल रही हूँ, ज़्यादा बना रहे तो ज़्यादा डाल लो। और इसमें 1/2 स्पून ही अमचूर डाला है। और इसके बाद हम डालेंगे मिर्ची। मिर्ची आप स्वाद अनुसार डालें, आप ज़्यादा खाते हो स्पाइसी तो ज़्यादा डाल लें, मैं कम खाते हैं तो हम कम डाल रही हूँ मैं। और इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें किचन किंग। किचन किंग है इसमें, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बना देता है। इसमें मैंने 1 स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं। बॉइल्ड पोटैटोज़ में मैं वैसे ही नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। और फिर इसमें हम डाल रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, मिर्ची। मिर्ची भी अपने स्वाद अनुसार ही डालनी है। और फिर अमचूर वैसे ही 1/2 चम्मच, और फिर धनिया पाउडर भी 1/2 चम्मच, और फिर हमारा जो किचन किंग है वो भी हमारा 1 स्पून डालना है। नहीं है तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसको डाल के अब इसको हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। ये देखिए, आप सोचते होगे ना कि मैं इसमें मसाले डालकर फिर मैश क्यों करती हूँ, तो आपको ये मैं टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह से मैश करोगे तो सारा मसाला एकदम से मिक्स अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैश करने के बाद मसाला इसमें डालोगे तो क्या होगा, तो कहीं पे नमक ज़्यादा, कहीं पे मसाला कम, इस तरह से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये आपको हमेशा जो है मसाले हमेशा पहले ही डालने चाहिए, और इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर देना है ताकि इसके जो लम्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाएं। क्योंकि नहीं तो रेसिपी बनने के बाद अगर कोई लम्स हमारे माउथ में आएगा तो उसका जो टेस्ट है वो फीका फीका सा होगा, और जिससे हमारे जो रेसिपी का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए आप जब भी इसको मैश करें अच्छी तरह से मैश करें ताकि कोई लम्स ना रह जाए। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से अब मैश कर लिया है, इस तरह से अच्छे से दबाते हुए। अब ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम चपाती लेंगे। चपाती जैसा कि मैंने कहा था हाफ से बताऊंगी मैं, तो हमने हाफ कर लेनी है हमारी जो चपाती है। टमाटो केचप लिया है, टमाटो केचप जो है इसमें हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। और इसको हम हमारी हाफ चपाती है इसके अनुसार ही बनाएंगे। इसके मैंने 3 चपातियाँ ली हैं, इसको मैंने हाफ ऑफ कर लिया, इसका मतलब हम 6 बनाएंगे हमारे स्नैक्स। तो ये देखिए, उसके अनुसार ही हमारी क्वान्टिटी थी। और ये देखिए, हमने टमाटो केचप है, इसको हमने अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर लेना है। इसका कोई भी कॉर्नर हमने नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर इसका कोई भी कॉर्नर छूट जाता है तो इसका उतना ही चटपटापन वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हमें फीका फीका सा लगने लग जाता है। इस तरह से हमने हमारी सारी चपाती इस पर ये स्प्रेड कर लेना है।
टोमेटो केचप हमने इसके ऊपर लगाने के बाद अच्छी तरह से स्प्रेड हमारी हो चुकी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे पोटैटो का मसाला, जो हमने पोटैटो मसाला अपना बना कर रखा हुआ था ना, आपको पहले बताया हुआ है, वहाँ हमने यहाँ पे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है इसके ऊपर। ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों पे बनाएंगे क्योंकि हम जल्दी जल्दी से बना रहे हैं ना, कि अब हमने 6 बनाने हैं, तो मैंने हाफ हाफ के ऊपर ट्राई कर रही हूँ। अब इसको हम फोल्ड करके भी थोड़ा सा देखेंगे कि ये हमारा हाफ हो चुका है, आलू हमारे हाफ पे लग चुका है। तो ये देखिए अब इसको हमने इस तरह से, ये देखिए फोल्ड करके देख लिया ना, हो गया ये फोल्ड, क्योंकि अब इसके कॉर्नर पर हम लगाएंगे जो हमारे रह गए हैं। अच्छी तरह से हमने इसको अब स्प्रेड कर दिया है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे, चीज़ चाहे तो आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे। चीज़ तो बहुत ही टेस्टी होता है, जैसे मर्जी आप इसके ऊपर सकते हैं, मैं लेकिन कम चीज़ जोड़ती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए उनको कम पसंद है चीज़ ही। तो ये देखिए इसको मैं इसी तरह से थोड़ा बहुत टेस्ट के फ्लेवर के अनुसार लगा रही हूँ। तो इसके ऊपर मैंने, ये देखिए अब हमारे ऑनियन का जो बैटर है वो हमने तैयार करके रखा हुआ था, अब वो लगा रही हूँ। ये देखिए हो रहा है ना हमारा, ये देखने में कितना यमी लग रहा है ना, खाने में तो पता नहीं क्या बनेगा। ये देखते हैं अब, ये देखिए इसके ऊपर हमने अब जो हमारे अनियन है, आप चाहे तो लॉन्ग कट कर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्मॉल लगा रही हूँ, बच्चों को यही पसंद आ रहा है। तो इस तरह से आपको जो पसंद है, आप अपने जो रेसिपी है उसमें आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको करके अब फोल्ड कर दिया। देखिए हाफ चपाती से हमारा बन गया ना, कितना यमी लग रहा है ना। तो चलिए अब हम तवा हमारा गर्म करते हैं। ये देखिए हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, ये हमारा रिफाइंड लगा रहे हैं। चलिए अब ये हमने कर दिया है, हमारा रिफाइंड है जो हमारा अब इसके ऊपर लग चुका है अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हम, मैं ये बता रही हूँ, मैं हमारा सिंपल तवा यूज़ कर रही हूँ, नॉनस्टिक तवा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नॉनस्टिक तवा कहीं के पास नहीं होता है, तो उनको होता है कि हम ये कैसे बनाएं। तो मैं सिंपल तवे पर याद बनाना चाह रही हूँ। इस पर घी मैंने अच्छी तरह से इसलिए लगाया क्योंकि ये चिपके ना। तो अब इसको हम इसके ऊपर भी लगा देंगे घी थोड़ा सा। ये देखिए चाहे तो आप ब्रश का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आज सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ ना, कईयों के पास नहीं होता तो वो सोचते हैं कि हम कैसे बनाएं। तो ये मैं आज आपको सिंपल तरीके से दिखा रही हूँ ना, कि सिंपल हम देसी घर पे जैसे बनाते हैं तो कैसे जल्दी से हम फटाफट ये बना सकते हैं। ये देखिए हमारा बन रहा है ना, अब इसको हमने पलट देना है। ये देखिए, ये देखिए इसको हमने इस तरह से पलट देना है। ये देखिए अब इसी तरह से हम इसको थोड़ी देर बाद फिर पलटेंगे ताकि हमारा ये अच्छी तरह से सिक जाए। ये देखिए अब ये हमारा हो रहा है ना, ये देखिए यम्मी, ये हमारा बनकर अब तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाँ इसको हम अब हमारी सर्विंग प्लेट पर रखेंगे। तो चलिए अब इसको हम अपनी सर्विंग गैस बंद करते हैं और सर्विंग प्लेट पर लेकर जाते हैं। ये देखिए उठाइए और लेकर जाइए। ये देखिए, ये देखिए अब हम अपनी सर्विंग प्लेट पर जा रहे हैं। ये देखिए कितना यमी लग रहा है ना हमारे टमाटो केचप के साथ। ये देखिए बनकर तैयार है। चलो अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो चलिए जैसे कि हम सोच भी नहीं सकते ना, चपाती से इतना अच्छा नाश्ता भी हम बना सकते हैं। तो चलिए अब खाकर देखते हैं कैसा बना है। तो ये देखिए यम्मी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।